हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आशु फार्मेसी पर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लोरथायाजाइड ड्रग के बारे में, जो एक डायबिटिक क्लास की ड्रग है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लोरथायाजाइड्स, इसका पहले हम नॉमेनक्लेचर देखते हैं, नॉमेनक्लेचर और ये स्ट्रक्चर। यह इसका स्ट्रक्चर, तो फ्रेंड्स इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो है 6 क्लोरो। देखिए, 6 क्लोरो, 2H124 बेंजोथायडाइजीन, 7 सल्फोनामाइड, 11 डाइऑक्साइड, ये इसका नॉमेनक्लेचर है। स्ट्रक्चर देखिए, ये बना हुआ है क्लोरथायाजाइड्स का। तो फ्रेंड्स, एक बेंजीन रिंग है और दूसरी बेंजीन रिंग में ऊपर हमारा सल्फर ग्रुप दो ऑक्सीजन से अटैच है डबल बॉन्ड के थ्रू। तो फ्रेंड्स, अब इसके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी जो इसकी होती है, कलर जो होता है इसका, वाइट क्रिस्टलिन पाउडर होता है, वाइट क्रिस्टलिन पाउडर होता है। इसका ऑर्डर जो होता है वो ऑर्डरलेस होता है, ऑर्डर जो होता है ऑर्डरलेस होता है, टेस्ट टेस्टलेस होता है। और मेल्टिंग पॉइंट 342 से 343 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और जो पीएच होता है 6.8 होता है फ्रेंड्स। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है, और एल्कोहल में और एसीटोन में, सॉल्युबल इन सॉल्यूशन ऑफ एल्कली हाइड्रोक्साइड्स, ये एल्कली हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है। तो फ्रेंड्स, इसका स्टोरेज जो हम करते हैं, वेल क्लोज कंटेनर में इसको हमें स्टोर करना चाहिए। इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 3.98 ग्राम पर लीटर होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके यूज की बात कर लेते हैं। इसका यूज जो होता है, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओडिमा। ओडिमा फ्रेंड्स, ये होता है कि जब वाटर का एक्यूमुलेशन कहीं पे ज़्यादा हो जाए किसी भी कारणवश, तो वहाँ से वाटर को रिमूव करने के लिए थ्रू द यूरिन हम क्लोरोथायाजाइड्स का यूज करते हैं, क्योंकि ये डायबिटिक क्लास की ड्रग है। और ओडिमा में और हाइपरटेंशन में भी, रीनल इम्पेयरमेंट में भी यूज होता है, ठीक है, हाइपरटेंशन एंड रीनल इम्पेयरमेंट्स। इसका जो ब्रांड नेम है वो यूरिनेक्स और डाईयूरिलेक्स। इसका जो ब्रांड नेम है यूरिनेक्स और डाईयूरिलेक्स। तो फ्रेंड्स, छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।